और आखिरकार वो घड़ी आ ही चुकी है जिसने लोकसभा चुनावों के परिणामों को आज शाम तक जो है ये परिणाम सामने आ जाएंगे। लगातार बहुमत के आंकड़े को एनडीए गठबंधन छू रहा है, हालांकि इंडी गठबंधन भी इस बार जो है काफ़ी तगड़ी उसने जो है मुकाबला किया है। 400 पार का नारा जो है इस बार कहीं ना कहीं दूर लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत के साथ पिछली बार से हमारा बहुत बेहतर प्रदर्शन रहेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 400 पार के लगभग हम पहुंच ही जाएंगे। हालांकि अभी जितने भी रुझान आ रहे हैं, अभी जो रुझान है कई सीटों पे जो है वो सेटल, परिणाम भी लगभग करीब है उनके करीब, लेकिन अभी तक तो ये 400 पार का नारा कहीं ना कहीं फलीभूत होता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरा जो देश है, सरकार हमारी बन रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन जो पूरा देश है ना वो सिर्फ 400 पे टिका हुआ है। यानी मोदी जी ने ऐसा गेम चेंज किया कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी, बीजेपी को कितनी मिलेगी, इससे मतलब नहीं मोदी जी 400 तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं, पूरा देश सिर्फ ये देख रहा है। तो निश्चित तौर पे पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इंदौर की अगर हम बात करें तो नोटा भी इस बार इंदौर में नंबर वन हो गया है, अभी तक तो 1,00,000 पार मत नोटा ने पार कर दिए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो नोटा नहीं है, वो कांग्रेस है। मतलब इंदौर में अभी तक कांग्रेस 1,00,000 है। हम समझते हैं कि पूरे जब राउंड पूरे हो जाएंगे तो कांग्रेस लगभग 2,00,000 वोट प्राप्त करेगी। मतलब नोटा मतलब कांग्रेस, कांग्रेस ने खुले रूप से नोटा का प्रचार किया। अभी भी आप काउंटिंग में देखेंगे कांग्रेस के बड़े लीडर मौजूद हैं, कांग्रेस की टेबलें लगी थी, तो नोटा है ना कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण एक राज्य है और राम मंदिर वहाँ पर निर्माण हुआ है राम मंदिर का, उसके बावजूद भी तगड़ा मुकाबला इंडिया गठबंधन कर रहा है। कहीं दिग्गज जो है, यहाँ तक कि स्मृति ईरानी जैसी बड़े जो मंत्री है, वो भी कहीं ना कहीं इस बार उनका जो प्रदर्शन है वहाँ पर दिख नहीं रहा है सही तरीके से। देखिए, उत्तर प्रदेश में इतना कुछ काम होने के बाद, जैसे मध्य प्रदेश को आप देखेंगे पूरा क्लीन स्वीप किया, तो मैं समझता हूँ कि पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन यूपी में देखने को हमको मिलेगा अंततः इस बार प्रदर्शन। दिग्गजों का काफी जो है कई जगह पर पीछे है। तो देखिए क्या होता है, जो एंटी बीजेपी वोट बैंक होता है या अपन ऐसा कह लें कि मुस्लिम वोट बैंक होता है, जब उन पेटियां आगे पहले खुलती है तो कहीं ना कहीं आगे पीछे होता है। अभी लगभग हम न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो पता चला कि लगभग 70 पूरे देश के अंदर ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी मात्र 5,000 मतों से पीछे चल रहे हैं, और लगभग 300 सीट जहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है उसमें से कम 180 सीट ऐसी है जहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार 3,00,000 से प्लस हैं। तो निश्चित तौर पे हम 400 के आंकड़े के लगभग पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो मतलब आपका कहना है कि बीजेपी जो है इस बार जो अपना नारा दिया है उसको फलीभूत कर देगी शाम तक जो भी जो है? बिल्कुल करेगी, और बीजेपी ने तो अभी तक जो नारे दिए हैं कि हम सुगंध राम के खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बनाया, जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है तो हमने 370 से मुक्त किया, बीजेपी जो नारा देती है उसे पूरा करती है। हो सकता है कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन बीजेपी अपने नारे को पूरा करती है। तो ये थे हमारे साथ इंदौर के जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा, भाजपा से जो की हैं। इन्होंने बताया कि भले ही अभी जैसे भी रुझान आ रहे हों, ये रुझान है, लेकिन शाम तक जब नतीजे आएंगे तो वहाँ पर बीजेपी जो है 400 पार का नारा फलीभूत करते हुए 400 पार सीटें बना देगी भारत में। कैमरामैन विशाल के साथ निकिता रघुवंशी, रेड इंडिया 24, इंदौर।